भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और बड़ी बड़ी मछलियां इसमें संलिप्त हैं। नीरज ही नहीं बल्कि कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता शराब माफिया भी शामिल हैं। उन तक जांच पहुंचनी चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में व्यापक जांच कर रही है और जांच में साफ हो जाएगा कि शराब माफिया को पूरी तरह से कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर शराब माफिया को संरक्षण देने के आरोप सत्यासिद्ध हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ही दुखदायी घटना है और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार ने उस मामले की जांच के आदेश दिए और पुलिस प्रशासन ने बड़ी जल्दी इस जांच को आगे बढ़ाया और जिस तरह से जांच में उस शराब, जो जहरीली शराब जिसके कारण मृत्यु हुई, उसके सप्लायर को पकड़ा, उसके लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। और हम सब जानते हैं जो व्यक्ति नीरज ठाकुर हमीरपुर से, जिसके होटल में भारी मात्रा में ऐसी शराब पकड़ी गई, वो कांग्रेस पार्टी का हमीरपुर जिला का महामंत्री था और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस नेताओं की देखरेख में नीरज कुमार ये अवैध शराब का धंधा करता था, जिसके कारण 7 लोगों की मौत हुई। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग विपक्ष में थे, हम तब से आरोप लगा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो अवैध खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है। और हमने 4 सालों में देखा है कि वो सारी बातें बारी बारी से सिद्ध हो रही। ऊना में अवैध खनन के मामले, वहां से कांग्रेस सरकार में रहे मंत्री की देखरेख में उनके संरक्षण में चलते रहे। इसी तरह से ड्रग के मामले, ऐसे कई लोगों के पास पकड़े गए जिनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संरक्षण था। और अभी ये जहरीली शराब का मामला जिस तरह से सामने आया है, इसने इस बात को सिद्ध किया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह से अवैध शराब माफिया को संरक्षण देते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहती है, जो आज उल्टा सरकार को दोषी ठहरा रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, वो नेता ये बताएं कि उनके नीरज ठाकुर के साथ क्या संबंध थे? क्या सिर्फ राजनीतिक संबंध थे या व्यापारिक संबंध भी थे? क्योंकि ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि शराब के धंधे में नीरज ठाकुर के साथ कांग्रेस पार्टी के और नेता भी हिस्सेदार थे, भागीदार थे। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता स्पष्टीकरण दें। और मैं पढ़ रहा था, एक नेता कह रहे हैं नहीं, उनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर उसको हटाने की रिकमेंडेशन जिला कांग्रेस ने क्यों की? प्रदेश अध्यक्ष ने उसको उस पद से हटाया, जो इस बात को साबित करता है कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी था। इसलिए कांग्रेस नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उन नेताओं को जो इस तरह से अवैध धंधों को बढ़ावा देते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस तरह से करके वो समाज का क्या भला करे। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती, परंतु काम इस तरह के निम्न स्तरीय किए जाते हैं
जिससे आज हमारे प्रदेश में भी ऐसे निर्दोष लोगों की जाने जाने शुरू हुई। हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेताओं को इसके बारे में बोलने का, आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। हमारी मांग है कि कांग्रेस के नेता इस पर स्पष्टीकरण दे और हिमाचल सरकार तय तक इसकी जांच करे, ताकि जो और बड़ी मछलियां हैं, क्योंकि हमारा मानना सिर्फ इस धंधे में सिर्फ नीरज ही नहीं है, और बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं, उन बड़ी मछलियों तक ये जांच पहुंचे, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसा हमारा विश्वास है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नैना देवी से राकेश गौतम की रिपोर्ट।